आज हम लोग माइनक्राफ्ट में बनने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, और हमारे पास आज माइनक्राफ्ट के अंदर होने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे मैजिकल पावर्स, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज का केप, ये वाली चीज है। और हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल भी बना सकते हैं। और हमारे पास होने वाला एक ऐसा वेपन जो डॉक्टर स्ट्रेंज में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और ये वेपन क्या है और वेपन क्या करती है, जानने के लिए जल्दी चलते माइनक्राफ्ट के अंदर। या ऐसा कौन सा अंदर आ गया अबे? ऑलराइट, तो हम लोग माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं, और ये वर्ल्ड के अंदर मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज बनना था, पर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज बना नहीं हूँ। अब मैं डॉक्टर स्ट्रेंज कैसा बनूं? ए मुर्गी मुर्गी ए मुर्गी 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 बड़ा भाव खाता है मुर्गी, पिछवाड़ा दिखा रहा मेरे को। निकल यहां से, निकल यहां से, निकल, भाग यहां से, भाग जा। मर गया बेचारा मुर्गी। ए मुर्गी, क्या तू जानता है मैं डॉक्टर स्ट्रेंज कैसा बनेगा? कोई इज्जत ही नहीं हमारी। मैं डॉक्टर स्ट्रेंज कैसा बनूं? कैसे मुर्गी? ये देख, ये देख रहा है क्या है, ये देख क्या है। ओ भाई मुर्गी कुछ ज्यादा ही डर गया, इतना मेरे को मुर्गी को नहीं डराने का था। ओ वेट, ये क्या चीज है? अबे इतने बड़े बड़े बीकन आसमान में छा रहे, मतलब उधर कुछ तो होगा। ओ माय गॉड गाइस, शायद से वही जाके हम डॉक्टर स्ट्रेंज बनेंगे, लगता है वही जाके हम डॉक्टर स्ट्रेंज बनेंगे। तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तू क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इतने सारे विलेजर्स क्यों है? एक दो तीन, क्या? हाँ निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज बनने। ओह यस, लगता है गाइस ये बीकन्स के पास हमें डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे बनना है उसका सीक्रेट छुपा हुआ है। ओ अरे साइंटिस्ट विलेजर, हेलो साइंटिस्ट विलेजर, कैसे हो? मैं जा रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज बनने को, ठीक है? उधर डॉक्टर स्ट्रेंज का पावर है ना, मैं जाता है लेने को, ठीक है? ओके बाय। ओ भाई, ओ भाई यहाँ पर कांच के अंदर देखो क्या है। ओ ये कांच के अंदर यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का केप रखा हुआ है, ये डॉक्टर स्ट्रेंज का केप है। भाई ये केप को पहनते मैं डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाऊंगा। पर एक सेकेंड, ये केप चूज करता है किसको डॉक्टर स्ट्रेंज बनने का है, पर यार अपन इस केप को चूज करेंगे। ओ ये विलेजर ऐसा बेचारा बेचारा क्यों खड़ा है इधर ऐसे? हेलो विलेजर, भाई ये विलेजर मेरे को हीरो ब्रांड का रिश्तेदार लग रहा है। मैं उसके पास नहीं जा रहा हूँ, मैं उससे बात ही नहीं कर रहा हूँ। भाई विलेजर भाई, मैं जा रहा हूँ मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज मार दूंगा तेरे को, मेरे पास मत आ। भाई ऐसे क्यों देख रहा है मेरे को? भाई मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बनने। मुझे ये केप दे दो कोई, मुझे ये कोई केप दे दो। ओ यस, ओ यस, हमने डॉक्टर स्ट्रेंज का केप पहन लिया है। वेट अ सेकंड, ये केप पहन के मैं डॉक्टर स्ट्रेंज बन गया क्या? केप तो मैंने पहन लिया, पर अब मैं उड़ू कैसे? हैं भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज का केप तो मेरे को दे दिया, पर मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं उड़ू कैसे अभी? उड़ना कैसे इस गेम में? डॉक्टर स्ट्रेंज, भाई डॉक्टर स्ट्रेंज तो उड़ सकता है ना यार, ये कोई इज्जत है डॉक्टर स्ट्रेंज की? एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, यहाँ पर दो लीवर्स है, आई थिंक ये लीवर से कुछ तो होना चाहिए। अगर मैं इस लीवर को प्रेस करूँ और मैं इस लीवर को प्रेस करूँ, अबे यार तू वहां से क्यों देख रहा है? भाई यार यहाँ से क्यों मेरे को ऐसा देख रहा है? इसको देख के मेरे को डर। ओए वेट व्हाट, ओ बे कहाँ गिर रहा हूँ मैं ये? ओ बड़ा टट्टी सा फॉल था ये तो। ये हम लोग किधर आ गए? ये तो सवाना भाइयों में। भाई मेरे को डॉक्टर स्ट्रेंज बनना है, मुझे कहाँ गोल गोल घुमा रहे हो? ये क्या चीज है? हेलो, यहाँ पर बहुत सारे बुक्स है, यहाँ पर बुक शेल्फ है, और ये कांच है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो क्या रहा है ये? ओ ये क्या आवाज था? अभी एक सेकेंड, मेरे इन्वेंटरी में ये क्या है? The mandalas of light! भाई मेरे पास डॉक्टर स्ट्रेंज का mandalas of light है! और ये क्या है? Eldritch whip, ये क्या होता है? ओ अच्छा, मुझे भी याद आया, मुझे अभी जस्ट याद आया, वो याद है डॉक्टर स्ट्रेंज जो लड़ते लड़ते थप्पड़ मारता है, एक ऐसा 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 रस्सी निकाल के रस्सी थप्पड़ मारता है, ये वो चीज है। ओए मुर्गी थप्पड़ खाएगा, थप्पड़ खा, देखा थप्पड़ खाया, थप्पड़ खाएगा, थप्पड़ खा, देखा दूर जाके भरा। और मुझे ये फेदर क्यों मिला? अरे गाइस, तुम लोगों को एक सवाल पूछने का है, तुम लोग बताए डॉक्टर स्ट्रेंज का केप कौन से कलर का है?
कौन बोला रेड रेड कौन बोला रेड कौन बोला और तुमको पता है रेड कलर का और क्या होता है? टमाटर। नहीं, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन। अगर तुमको बटन लाल दिख रहा है तो बटन के पास जल्दी से जाओ, ऐसे 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 के मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। आज के वीडियो का लाइक कुल रखते हैं 75,000 लाइक्स का। हो यस, तो अपने पास अभी दो एबिलिटीज है, डॉक्टर स्ट्रेंज का मंडालास ऑफ लाइट और एल्ड्रिच वेब, पर बाकी क्या एबिलिटीज कहां है? ओ, यहां पर एक चेस्ट है। ओ यस, ओ ये चेस्ट के अंदर अपनी सारी की सारी बाकी एबिलिटीज है। ओ, मेरे को ये क्लोक वापस मिला, तो ये चेस्ट के अंदर है द क्लोक ऑफ लेविटेशन, वॉल्टिंग बूट्स ऑफ वेल्टर, स्टाफ ऑफ लिविंग ट्रिब्यूनल, वॉन्ड ऑफ वाटूम, स्लिंग रिंग। यस, ये स्लिंग रिंग से हम लोग पोर्टल खोल सकते हैं। द आई ऑफ आगामोटो और क्रिम्सन बैंड ऑफ किधर का तो है। तो पहले चल के अपने को क्लोक को ऐसा इक्विप करने का, क्लोक को इक्विप करते ही आई थिंक अभी हम लोग उड़ सकते हैं। क्या हम लोग उड़ सकते हैं? ओ यस, ओ यस, क्लोक को इक्विप करते हम लोग अभी उड़ सकते हैं। और मैं लिटरली हवा में उड़ सकता हूँ, मैं हवा में चल सकता हूँ, मैं हवा में ऊपर जा सकता हूँ, मैं हवा में नीचे। नीचे कैसे जाते हैं? क्लोक जरा मेरे को नीचे लेके चलो प्लीज। ओ वेट, वो क्या है? वो तो विलेज है, तो चलो हम लोग विलेज में जाएंगे। ओके, हम हवा में धीरे धीरे उड़ते उड़ते विलेज में जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग अभी तक सीख रहे हैं। देखो यार, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज बन तो गया हूँ, पर मेरे पास ना वो आंटी नहीं है जो मेरे को सिखाई मेरे पावर्स को यूज कैसे करना है। ठीक है, स्टीफन भैया के पास वो आंटी थी जो सिखा रही थी क्या करना है कैसे करना है, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे को खुद से सीखना पड़ रहा है। ओके, अभी ये विलेज में नीचे कैसे जाऊं मैं? क्लोक जरा अपने को नीचे लेके चलो प्लीज। क्लोक, एक्सक्यूज मी क्लोक, अपने को नीचे जाने का विलेज में। क्लोक, साला क्लोक नीचे लेके नहीं जा रहा, नीचे कैसे जाऊं मैं? अभी मैं ऊपर आके फंस गया, नीचे कैसे जाऊं? भाई आराम से नीचे आने का था, भाई ये क्या स्पीड नीचे आने का? ओके, अभी नीचे। यार ये क्लोक क्या कर रहा है यार? ये क्लोक सच में, क्लोक को मैं निकाल देता हूँ, क्लोक कुछ भी कर रहा है, क्लोक कुछ भी हरकतें कर रहा है। ओके, तो हमने अभी क्लोक को निकाल दिया, विलेज के अंदर क्या हो रहा है? हेलो, ये सब मर ही कुछ चल रहा है। ओके, तो अभी ना यूज करना चालू करते हमारे एबिलिटीज को। तो ये सबसे पहले हमारे पास है द मंडालास ऑफ लाइट, और अगर मैं इसको लेके ऐसे राइट क्लिक करूं तो शायद से ये शील्ड बन जाएगा, और ये शील्ड बनने के बाद शायद से मुझे कोई मार नहीं सकता है, और यहाँ पे आसपास तो कोई है नहीं जो मुझे मारेगा। क्या यहाँ पर आयरन गोलम है? मैं आयरन गोलम स्पॉन कराता हूँ। ओए मर जा, आयरन गोलम किधर है? आयरन गोलम इधर कोई है नहीं यार, हमें यार रात होने का वेट करना पड़ेगा ताकि ज़ॉम्बीज आके हमसे लड़ेंगे। ओके, अगली चीज है क्रिम्सन बैंड्स ऑफ काइटोरक, किधर का तो क्रिम्सन बैंड, इससे क्या होता है? ओ, मैंने ये पहन लिया। अच्छा, ये मेरे को पहनना नहीं था क्या? अबे चीज उतर भी नहीं रही है भाई, इसने मेरे को जगह बंद कर दिया। ओ शिट, आई थिंक ये क्रिम्सन बैंड जो है ना, ये कुछ जेल की तरह है जिसको लगाते ही मैं फंस जाऊंगा, और अब उसको लगाते ही फंस चुका हूँ। अबे यार, मेरे को कोई डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक सिखाओ यार, मेरे को नहीं आता। अब इसको मैं कैसे निकालूं? मैं फंस चुका हूँ, मैं इसको निकाल भी नहीं पा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, आई थिंक ओके, अगर मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन करूँ तो शायद से मैं बॉडी से बाहर निकल सकता हूँ। अभी जिन लोग को एस्ट्रल प्रोजेक्शन नहीं समझा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन मंजे जब भी ऐसा बॉडी के अंदर से आत्मा बाहर निकल जाता है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज का छाती में ऐसा ठप करके मारता है, ऐसा आत्मा बाहर निकल जाती है, वो करना है मेरे को। ओके गाइस, So astral projection in 3, 2, 1. मैं शरीर से बाहर तो निकल गया हूँ, पर यार इसकी वजह से अटक चुका हूँ यार। अबे कोई बचाओ मेरे को आके प्लीज यार, मैं कैसे बाहर निकलूँ इससे? भाई यार, कोई सिखाता भी नहीं है कैसे मैजिक करना है इस गेम में, कोई सिखाता भी नहीं है कैसे मैजिक करना है। ओ भाई, काफी मेहनत के बाद मैं फाइनली उस पिंजरे से बाहर निकला हूँ, मुझे इसको मेरे पे फिर से नहीं पहनना है, पर आई थिंक इसको मैं यूज कर सकता हूँ दूसरों को ट्रैप करने के लिए। ओ इधर आ, ट्रैप हो जा। मैंने फिर से पहन लिया ये चीज। अरे ये क्यों पहन रहे हैं बार बार? ये नहीं पहनना है मुझे, किसी और को पहनना था, ये मेरे को नहीं चाहिए यार, इसको फेंक के आ रहा हूं मैं जाके, टट्टी चीज है यार ये। ओके, फिर से बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मैं अपने क्रिम्सन बैंड्स ऑफ काइटोरक से बाहर आ चुका हूँ, तो अभी उसको साइड में रखते हैं, ये मेरे को नहीं चाहिए। शिट, अगर मैं इसको फेंक के मारूं तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा मेरा वो भी गायब हो गया, बाहर में गया। ओके, अगली चीज है हमारे पास द आई ऑफ आगामोटो, तो आई ऑफ आगामोटो डालते ही ना अपने पास ये एक लॉकेट आ गया है जिसको आई ऑफ आगामोटो बोलते हैं, ऑफ कोर्स तभी उसका नाम है आई ऑफ आगामोटो, और उसको लेकर अगर मैं राइट क्लिक करूं तो कुछ तो हो रहा है, चमक रहा है,
पर वो चमक के क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता, पर कुछ तो हो रहा है भाई। ये बता रहा हूँ मेरे को मैजिक करना नहीं आता, ये सब लोग ऐसे मर मर क्यों चल रहे ओए हैं? ये खरगोश हवा में कैसे रुक गया? आई ऑफ अगामोटो से मैं टाइम रोक सकता हूँ। अच्छा अब मुझे याद आया, डॉक्टर स्ट्रेंज जो टाइम स्टोन है उसको आई ऑफ अगामोटो के अंदर रखता है, मतलब आई ऑफ अगामोटो टाइम स्टोन है। ये भाई आई ऑफ अगामोटो से मैं लिटरली टाइम रोक सकता हूँ, गेम के अंदर सब चीजें रुक जाएगी भाई। बसते हम लोग टाइम रोक सकते हैं, हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते। ओके अगला चीज ट्राई करेंगे, द वंड ऑफ वाटूम। इससे क्या होता है वंड ऑफ वाटूम से क्या होता है वंड ऑफ वाटूम से बारिश होता है। ओके तो अपना अगला एबिलिटी है द वॉल्टिंग बूट्स ऑफ वेल्टोर। वॉल्टिंग बूट्स ऑफ वेल्टोर को शायद से मुझे पहनना है, और अगर मैं इसको पहनूं तो शायद से मैं मैं ऐसे वाला जंप्स कर सकता हूँ। ओके मुझे अभी समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये बूट्स को पहनूं तो मैं हवा में जंप कर सकता हूँ। ओके नाइस, ये बूट को पहनकर हम लोग लिटरली हवा में डबल जंप कर सकते हैं। डबल क्या यार, अनलिमिटेड जंप कर सकते, जितनी बार जंप करना उतनी जंप कर लो, जंप पे जंप करते रहो, जंप पे जंप करते रहो, जितना जंप करना जंप करते रहो, ये देखो जंप पे जंप कर जा रहो। ओके तो इसके बाद हम लोग फाइनली आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन के तरफ। अभी ये वेपन जो है, ये वेपन का नाम है द स्टाफ ऑफ लिविंग ट्रिब्यूनल। और अगर इस वेपन को लेकर मैं नॉर्मली फटके मारूं तो ये बस डंडे की तरह फटके मारेगा, बट अगर मैं इस डंडे को लेके राइट क्लिक करूं तो ये डंडा फुल चार्ज अप हो जाएगा, और अगर इसके बाद मैं मुर्गी को राइट थप्पड़ मारूं ऐसे तो मुर्गी लिटरली एक बार मर जाएगा। अभी गाइस देखो, मैं माइनक्राफ्ट में इसके पहले ना बहुत सारी चीजें बनाऊ, मैं थॉर बनाऊ, मैं साइतामा बनाऊ, मैं बहुत कुछ बनाऊ, पर मुझे अभी लग रहा है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर माइनक्राफ्ट में कुछ बनना है तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। क्योंकि यार देखो, थॉर का सिंपल है, क्या करना है हथौड़ा फेंक के मारना है, बिजली मारना है। साइतामा को क्या करना है, बस मुक्का मारना है। लिटरली साइतामा को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पंच मारना है। और फिर आते हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसकी एबिलिटीज क्या है एबिलिटीज, क्रिम्सन बैंड ऑफ किटोरक। किटोरक है क्या, किधर क्या चीज है किटोरक? और ये बैंड से मैं खुद को फंसा लेता हूँ, एकदम प्रो गेमर मूव। तो मजे की बात ये कि अगर मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज बनके एकदम ओपी सा खेलना है, मेरे को सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे मैजिक सीखना पड़ेगा। और ये मैजिक सिखाने के लिए मेरे पास वो आंटी भी नहीं है भाई। स्टीफन स्ट्रेंज के पास एटलीस्ट वो आंटी थी जो उसको सिखा रही थी कि ये है वो है, और वोंग था, वोंग को किताब दे रहा था, मुझे कोई किताब दो, मेरा वोंग किधर है? ए गोटिया मैजिक सिखाएगा नहीं, गुखाएगा। ओके देखो, मेरे को अभी तक ये तो पता है कि जो मंडाला है ना, ये मंडाला ना ऐसा मारता है, मंडाला अपने आप मारता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, अपने आप खुद से मारता है मंडाला। और ये जो विप है, ये विप से मैं और लोगों को मार सकता हूँ, इससे मैं खुद को बंद कर सकता हूँ। ये है आई ऑफ अगामोटो, भाई आई ऑफ अगामोटो से मेरे को टाइम रोकना था, डुक्कर पीछे पड़ गए मेरे भाई, मेरे से डुक्कर क्यों पड़ गए? रुक जाओ, टाइम स्टॉप। अबे ये तो बड़ा ढीठ है, बाकी सारे रुक गए, ये नहीं रुक रहे, क्या चाहिए तेरे को? ये ले आयो, अच्छा सॉरी। ओके गाइस, अभी ऑलमोस्ट रात हो गया, जिसका मतलब अभी आएंगे सारे के सारे मॉब्स, और अब लोग इन मॉब्स पर ना ये सारे मैजिक ट्राई कर पाएंगे जो मैं अभी सीखा हूं डॉक्टर स्ट्रेंज के। ओके मॉब्स किधर है, मॉब्स किधर है भाई, मेरे को मॉब्स के साथ लड़ना है भाई, मॉब्स किधर है? ओ ये रहा ज़ॉम्बी, मर जाओ भाई। यार ये विप तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। ओए ओके ये मेरे को मारते आ रहा है, अगर इसके सामने मैं लिटरली मंडाला को सामने रखूं ऐसा करके तो क्या मुझे मार पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं मार पाएगा, कैसे मारेगा? और अगर मैं इसको विप से मारूं तो भाई कितना दूर जाके गिरा, कितना दूर जाके गिरा। ओ भाई रुको 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 रुको, एक सेकेंड। ओ भाई इससे मैं लिटरली किसी को वन शॉट मार सकता हूँ। ओ क्रीपर, अगर ये क्रीपर मेरे सामने फटा और मैंने शील्ड को ऊपर कर लिया तो मेरे को कुछ नहीं होगा। ओए अबे ये बेशरम, तू डॉक्टर स्ट्रेंज को तीर मारता है, तू डॉक्टर स्ट्रेंज को तीर मारेगा? यू मदर फादर इज दिस मैनर्स, कैसे बेशरम बन गया आजकल के स्केलेटन्स इस गेम में। अच्छा गाइस मेरे पास एक आइडिया है, अगर ये आई ऑफ अगामोटो के अंदर टाइम स्टोन है तो अगर मैं इसको ऐसा दबाएगा तो शायद से आसपास का पूरा टाइम रुक जाना चाहिए, है ना? क्या टाइम रुक गया मालूम नहीं, अगर मैं इसको ऐसा दबाते रहो बार 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 तो क्या टाइम रुक जाएगा?
लगता है गाइस अपन ने कुछ तो स्पेल में हक दिया। आया फागामोटो को इतने बार बचाने के बाद टाइम तो नहीं रुका, पर सारे मॉब्स स्लो मोशन में चल रहे। ये तो रुक गया। ओए ओके, ये जो भी हुआ है मेरे को चलेगा, मेरे को ये जो भी हुआ है ये सारे मॉब्स स्लो मोशन में चल रहे हैं। तो गाइस अगर मैं अभी डॉक्टर स्ट्रेंज के एस्ट्रल फॉर्म में जाऊं तो क्या मैं पूरा मैप घूम के देख सकता हूं? ओ यस, और ये हम लोग आ गए एस्ट्रल फॉर्म में, हमारी बॉडी वहां पर रह गई, हम आ चुके एस्ट्रल फॉर्म में, जिसका मतलब अभी हम लोग लिटरली पूरा मैप घूम सकते हैं। मैं एस्ट्रल फॉर्म में पूरा मैप देख सकता हूँ, कहाँ पे डायमंड है मैं वो देख सकता हूँ। भाई डॉक्टर स्ट्रेंज ना माइनक्राफ्ट में चीटिंग। ओ ये रहा डायमंड, ओ ये रहा डायमंड। भाई डॉक्टर स्ट्रेंज लिटरली देख सकता है कहाँ पे डायमंड है कहाँ पे नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज गेम के अंदर लिटरली चीटिंग कर सकता है यार। खुद एस्ट्रल फॉर्म में चले जाओ, जाके पूरा मैप देख कर आओ, कहाँ पर डायमंड है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कहाँ पर फोर्ट्रेस, और बराबर वहीं पे जाओ। नाइस, ये भी अच्छा है। ओके, अभी मजे की बात ये है कि मेरा बॉडी किधर है, क्योंकि मेरे को अगर एस्ट्रल फॉर्म से वापस फिजिकल फॉर्म में जाने का है तो मेरे को मेरा बॉडी ढूंढना पड़ेगा। मेरा बॉडी किधर है, यही प्रॉब्लम है यार, यही प्रॉब्लम है यार। हॉगवर्ट्स में एडमिशन ले लिया, मैजिक करना नहीं आता। ये क्या हो रहा है, ये किधर है मेरा बॉडी? इधर ही, ओ ये रहा, ओ ये रहा, ओ ये रहा। ओके ओके, बैक टू आवर बॉडी, बैक टू आवर बॉडी। भाई सही है, भाई बच गए, बच गए। भाई मेरे को लगा बॉडी गायब हो गया, मेरे को लगा बॉडी गायब हो गया, वापस नहीं मिलेगा जाने को अभी। और ओके, तो अभी ये सारे स्पेल्स में से ना हमने एक स्पेल को अभी तक ठीक से बिल्कुल ट्राई नहीं किया, और वो है द स्लिंग रिंग। अगर तुम लोगों को पता नहीं कि स्लिंग रिंग क्या है, तो स्लिंग रिंग वो चीज है जिसको हाथ में पहन के ऐसा 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 घुमाएगा तो पोर्टल खुल जाता है। तो अभी अपन भी स्लिंग रिंग को अपने हाथ में पहनेगा और यहाँ पर एक पोर्टल खोलेंगे, ठीक है? यहाँ पर एक पोर्टल खोलेंगे और पोर्टल खोल के हम लोग जाएंगे किधर, तो जाएंगे पोर्टल खोल के हम लोग जाएंगे सीधा हीरोब्राइन एसएमपी के अंदर, ठीक है? सीधा हीरोब्राइन एसएमपी के अंदर यहां से पोर्टल खोलेंगे। ओके, तो मेरे को ना अभी हीरोब्राइन एसएमपी के बारे में बहुत सोचने का है और पोर्टल खोलने का है। ये पोर्टल कौन खोला भाई? मेरे को नेदर पोर्टल नहीं खोलने का था, मेरे को डॉक्टर स्ट्रेंज का वो आग वाला पोर्टल खोलने का है। ये क्या खुल गया हैं भाई, ये क्या गू खुल गया यहाँ पर? रुको 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 गाइस रुको, हम लोग ना फिर से ट्राई करेंगे और इस बार पक्का हम लोग पोर्टल खोलेंगे, ठीक है? ओके, ब्रिंग मी हीरो ब्राइड एसएमपी। थप्पड़ मारूंगा इसको, अभी कुछ नहीं आ रहा यार। ये क्या है भाई, मेरे को पोर्टल खोलना है। ये क्या नेदर पोर्टल क्यों खोल रहा है यार? नेदर पोर्टल नहीं खोलना है मेरे को डॉक्टर स्ट्रेंज वाला पोर्टल खोलना है। ओ गाइस एक सेकंड, वेट, मैंने अभी जस्ट रियलाइज किया कि सारे मूवीज के अंदर उन लोग ना रिंग को लेफ्ट हाथ में पहनते और राइट हैंड से ऐसा ऐसा घुमाते, और मैंने रिंग को भी राइट हैंड में रखा है। तो अगर मैं रिंग को लेफ्ट हैंड में ले लूं और मैं राइट हैंड से ऐसा 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 घुमाऊं तो क्या मैं पोर्टल खोल पाएगा? ओके रुको रुको रुको, अपन खोलते हैं। ब्रिंग मी हीरो ब्राइन एसएमपी। ओ यस गाइस, पोर्टल खुल गया भाई। अपने पोर्टल बंद कैसे हो गया? ओए आपस खुल जा ओए। ओ हाँ खुल गया भाई, पोर्टल खुल गया। मैं बोला खुलते ही बंद हो गया। ओके, तो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज वाला पोर्टल खोल लिया है। अभी हम लोग इस पोर्टल के थ्रू जंप करके सीधा पहुंच जाएंगे हीरो ब्राइन एसएमपी के अंदर। ओके, 3 2 1 ये। जब बेइज्जती है यार ये तो। मैं लिटरली इसके आर पार ऐसा ऐसा उड़ी मार रहा है, इधर जाएंगे थोड़ा ऐसा जाएंगे थोड़ा ऐसा जाएंगे। भाई कैसा डॉक्टर स्ट्रेंज मानेगा रे तू यार, क्या है ये भाई? पोर्टल खोलने नहीं आता है। ओके रुको रुको रुको, अगर मैं इधर एक पोर्टल बना दूं ऐसा, तो अभी अगर मैं इस पोर्टल के थ्रू जाऊं तो मैं वो पोर्टल से बाहर निकलना चाहिए। ओके देखो, तुम लोग अभी दिखाता हूं, ठीक है? तुम लोग को अभी, ओए गायब क्यों हो रहे? ओए हां सॉरी, तुम लोग को अभी दिखाता हूं गाइस मैजिक क्या होता है। ओके 3 2 1 ये। ये वाला भी काम नहीं किया। ऐसा जाएगा तो काम करेगा, ऐसा काम करेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। अगर मैं इधर से ऐसा जाऊं तो काम करेगा, ऐसा जाऊं तो भी काम नहीं करेगा। कैसा पोर्टल बना, एक भी पोर्टल काम ही नहीं करता है, क्या टट्टी पोर्टल है ये? रुको गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं वहां पर एक पोर्टल बनाऊं और मैं अगला पोर्टल आके यहाँ पे बनाऊं तो शायद से वो दोनों पोर्टल्स कनेक्ट हो जाएंगे। ओके क्रीपर, अबे क्रीप, ये क्या हो? ओ ओ ओ अच्छा, क्रीपर भी स्लो मोशन में फट रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पर एक पोर्टल बना लिया, अपन को भी इस पोर्टल के थ्रू जाने का है, तो ट्राई करते गाइस इस पोर्टल के थ्रू जाके। 3 2 1 मैं बता रहा हूँ ये पोर्टल भी काम नहीं करेगा, ये देखो ये। What the hell? वो पोर्टल काम कर गया पर ये वाला अभी तक काम नहीं कर रहा है, और ये वाला भी। ओ ये वाला काम कर गया। ये देखो, ओ यस, ये पोर्टल काम कर रहा है। और अगर मैं ऐसा जाऊं तो भी काम कर रहा है।
भाई नाइस भाई, कैसा कर रहा है मेरे को नहीं मालूम, पर पोर्टल काम कर रहा है। मैं पोर्टल टू पोर्टल टेलीपोर्ट मार रहा हूँ भाई, ये मजेदार बात है। मेरा पोर्टल काम कर रहा है, मेरा पोर्टल काम कर रहा है, मेरे को मैजिक आता है, मैं मैजिक सीख गया, मैं बन चुका हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज। मेरे को नहीं पता, पर मेरे को सच्ची नहीं पता हूँ कैसे हुआ, वो पोर्टल कैसे काम कर रहा है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। ये क्या साउंड था? और लगता है वो साउंड वहां से आया है। ये साउंड क्या था गाइस? ये कौन सा साउंड है? यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है जो ये साउंड? ओए यहाँ पे विदर को स्पॉन कर गया। अबे यार मैंने बस हीरो बना एसएमबी तक का पोर्टल खोलने की बात करी थी यार, ये तो हीरो बना एसएमबी बन गया सच्ची के विदर स्पॉन। अबे एक और भाई कौन कर रहा है? ओए इतने विदर स्पॉन नहीं करने भाई, ये क्या है भाई, कितने विदर स्पॉन कर दिए? अरे विदर तो आपस में लड़ रहे हैं, ये सारे विदर तो नुबड़े की तरह आपस में लड़ रहे हैं। ये देखो ये इसको मार रहा है, ओए स्केलेटन वो देख विदर नुबड़े आपस में मारामारी कर रहे हैं, मर जा। अभी गाइस अगर विदर आ ही गए तो इन विदर को हम लोग मारने का ट्राई करते हैं हमारे मैजिक के साथ। तो मेरे को सबसे पहले ना क्लोक लगा के उड़ने का है। ओए विदर इधर आ, ओए विदर तेरे को एल्ड्रिच व्हिप से मारने का मेरे को। ओ क्रीपर फटा विदर के ऊपर। विदर हेलो विदर, विदर आई एम स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज, और मैं तुम लोग को ऐसा मारेगा थप्पड़ विप से, मर जा। अरे अगर मैं विदर को रुका दूं तो आई ऑफ आगामोटो से? ओ भाई, ओए 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 ए ए तुम लोग को रुकने का था भाई? मेरे को डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल चलाने बिल्कुल नहीं आते यार, मैं कुछ भी कर रहा हूँ स्पेल के नाम पे। चलो इधर लोग इधर आओ, चलो इधर इधर आओ, विदर इधर 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 विदर इधर। अबे मैं विदर मारने के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ, द स्टाफ ऑफ लिविंग ट्रिब्यूनल। अगर मैं इससे विदर को फटका मारूं तो क्या आएगा? लिटरली विदर को बस डैमेज पड़ा। ओ वेट मैं, ओ शिट मेरे को नहीं मरने का है। ओ वेट मैं तो यार स्टाफ ऑफ लिविंग ट्रिब्यूनल को चालू करना भूल गया। अगर मैं इसको ऐसे ऑन करके फिर मैं जाके विदर को थप्पड़ मारूं तो विदर लिटरली वन शॉट में मर जाएगा। मतलब विदर की कोई इज्जत ही नहीं बची, स्टाफ ऑफ लिविंग ट्रिब्यूनल से विदर लिटरली एक फटके में मर रहा है। भाई विदर एक फटके में मर रहा है, ये क्या बात हो गई? विदर मर रहा है एक फटके में। रुको हम लोग हटा देंगे हमारा क्लोक ऑफ लेविटेशन और अभी हम लोग यूज करने वाले द वॉल्टिंग बूट्स ऑफ वैलोर, और हम लोग इस बूट से वॉल्ट कर करके विदर को थप्पड़ मारेंगे। इधर आ, मर जा मर जा। तुम लोग जानते नहीं हो मेरे पास कौन सा मैजिक है, मैं मैजिक सीख कर आया हूँ, ठीक है? डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक। इधर आ इधर आ तू। अबे यार ऐसे क्यों उड़ रहा है? अपने आप उड़ जा रहा है यार, मेरे को अब तक चलाना नहीं आता इसे। अबे मर जा मर जा। हाँ मर गया, देखा देखा एकदम प्रो गेम प्ले, एकदम प्रो गेम प्ले। सारे के सारे विदर को मार दिए, सारे के सारे विदर खड़े खड़े यहीं पे मर गए। अभी मेरे को ये वॉल्टिंग बूट्स अभी तक ठीक से यूज करना नहीं आता है, मैं ऐसा आड़ा तड़ा कुछ भी उड़ी मार रहा हूँ, बट देन ठीक है हो गया गाइस, मैं सीख रहा हूँ ठीक है। मैं ट्रेनी डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ, मैं असली वाला नहीं हूँ, मैं ट्रेनी डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ। तुम्हें याद है ना जब पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज गया था नेपाल घूमने, तभी उसे कुछ नहीं आता था, वो भी सीख रहा था, मैं भी सीख रहा हूँ। अबे कहाँ है विदर? ओ रहा विदर, ओ तीन विदर हो रहे। अबे ये अपने आप की उड़ी मार रहा है, ये अपने आप की उड़ी मार रहा है। रुक जा भाई मेरे को, भाई मुझे जब मारना है तब तू उड़ी मारेगा ना? अरे अपने आप थोड़ी ना उड़ी मारेगा तू यार, क्या मैजिक है यार, कैसे यूज करते? इधर आ इधर आ विदर, मैं हटा रहा हूँ, बाहर में जा बाहर में जा, बूट्स ऑफ वैलोर बाहर में जा। नहीं नहीं करना है मेरे को, नहीं उड़ना है। फिर अपने आप उड़ गया, अब तो बूट भी नहीं है, अब तो बूट भी हटा दियो मैं। अबे कुछ भी हो रही है यहाँ पे, इतने सारे डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों घूम रहे? अबे हर जगह डॉक्टर स्ट्रेंज है भाई यार, मैं कुछ तो हगा हूँ। ओए इधर आ भाई, ये विदर को क्या लग रहा था, ये विदर को क्या लग रहा था कि वो ऐसे ही मुझे मार लेगा, वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसे ही मार लेगा? भाई डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मैजिकल एबिलिटीज है ये ऐसे। भाई मैं इस पे क्या दिखा रहा हूँ, विदर एक फटके मर गया, मैं इस पे क्या दिखा रहा हूँ? और यार मेरे को अभी तक ये एबिलिटी समझा नहीं कि डुक्कर लोग इसके पीछे क्यों आता है, बट एनीवे कोई बात नहीं। तो अभी सब कुछ यूज करने के बाद बस एक ऐसा चीज बचा है जिसको मैंने अभी तक ठीक से ट्राई नहीं किया, इसको अभी तक यूज नहीं किया, और वो है द वॉन्ड ऑफ वाटूम्ब। हेलो ओके तो वॉन्ड ऑफ वाटूम से मैं बिजली गिरा सकता हूँ? मतलब भाई वॉन्ड ऑफ वाटूम लेके मैं थॉर बन जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर? ओ भाई भाई डॉक्टर स्ट्रेंज है या थॉर है? और अगर मैं वॉन्ड ऑफ वाटूम को लेफ्ट हैंड में पकड़ू और ऐसा करूं, वेट व्हाट है ये, क्या था, क्या मैंने लिटरली एक ब्लॉक का एंड पोर्टल क्रिएट किया? ओ भाई मैं एक ब्लॉक का एंड पोर्टल क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं किसी को भेज सकता हूँ। चलो रे चलो एंड में किसको जाने का है? फ्री एंड सर्विस, फ्री एंड सर्विस। ओ लगता है इन घोड़ों को एंड में जाने का है, चलो इन घोड़ों को एंड में लेके जाता हूँ। हेलो हेलो घोड़े लोग, क्या तुम लोग एंड में आना चाहोगे? बाय बाय। ओ चला गया। वेट अ सेकंड, क्या इस पे जाके मैं खुद जा सकता हूँ एंड पे?
गजब बेइज्जती यार, पोर्टल ही गायब हो गया। रुको, अगर मैं इसमें कूद जाऊं तो क्या मैं एंड जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स मैं भी एंड जा सकता हूँ। और ये एंड में सारे आ गए, सारे के सारे ये एंड में आ गए। क्या कर रहे तुम लोग एंड में आए हो? ड्रैगन मारने? ओह आई गेट इट, इन लोग एंड में क्या करने आए हैं? इन लोग गाइस एंड में ना शो देखने आए, इन लोग देखने आए कि अभी एंड में हम लोग ड्रैगन को किस तरह मारेंगे। ओ वेट एक सेकंड, इधर आके हम लोग एक चीज कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि हम कहाँ पर है, और वो रहा ड्रैगन, वो रहा ड्रैगन, और हम यहाँ पर नीचे है, मतलब मेरे को सीधा ऊपर खोदना पड़ेगा। यार डॉक्टर स्ट्रेंज हो यार, ये क्या कर रहा हूँ, हाथ से खोद रहा हूँ। ओके फाइनली अपन बाहर आ गए। और ड्रैगन, और नूबड़ल ड्रैगन इधर आ, एंडर ड्रैगन। भाई एंडर ड्रैगन भी स्लो मोशन में चल रहा है यार, मैंने कुछ तो हगा यार, मैं ये टाइम स्टोन को लेकर मैं कुछ तो हगा हूं यार, ये टाइम स्टोन को लेकर ना मैं बड़ा वाला कुछ तो हगा हूं यार, पक्का ये बड़ा वाला कुछ तो मैं हगा हूं टाइम स्टोन को लेकर। तो यार ड्रैगन स्लो मोशन में सही, पर ड्रैगन नीचे तो आ रहा है। एक बार ड्रैगन नीचे आ गया, हम लोग चल के ड्रैगन को थप्पड़ मारेंगे। इधर ड्रैगन, इधर आ। और अगर मैं ड्रैगन के पास जाऊं विद द स्टाफ ऑफ लिविंग ट्रिब्यूनल, और ड्रैगन को मैं पिछवाड़े पे तो ये ड्रैगन एक बार में मर जाएगा, ड्रैगन एक फटके में मर जाएगा। भाई ये डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टाफ ऑफ लिविंग ट्रिब्यूनल इतना ओपी है, विदर एक फटके में मर रहा है, ड्रैगन एक फटके में मर रहा है। बस मेरा एक ही सवाल है, जब थैनोस वहां पे पूरी दुनिया की वाट लगा रहा था तब डॉक्टर स्ट्रेंज का ये स्टाफ ऑफ लिविंग ट्रिब्यूनल किधर गया? भाई थैनोस को इसका बस एक थप्पड़ मारने का था, थैनोस उधर ही खत्म, इतना टेंशन लाइफ में आता ही नहीं, थॉर का मोटा होता ही नहीं। बट एनीवे गाइस, आज हम डॉक्टर स्ट्रेंज बन के हमने ड्रैगन को मार दिया। ऑल्दो मेरे को मैजिक वजिक करने आ नहीं रहा था, पर मैंने ट्राई कर लिया। सो एनीवे गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना। अगर तुमको इसी तरह और वीडियोस देख रहे हो तो तुम लोग यहां पर क्लिक कर सकते हो, और अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं दिया तो लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।